अकोला 24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। संपूर्ण लॉकडाउन से पहले उमड़ी बाजार में भीड़। जनता ने संपूर्ण लॉकडाउन के खिलाफ जताई नाराजगी। अकोला जिलाधिकारी जितेंद्र पापड़कर द्वारा रविवार 9 मई की रात 12 बजे से 15 मई की रात 12 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन में सभी प्रकार की दुकानें संपूर्ण तरीके से बंद रहेंगी, जिसके मद्देनज़र आगामी त्यौहारों को देखते हुए बाजार में आज नागरिकों ने ज़रूरी एवं अहम वस्तुओं की खरीदी करने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ करना शुरू कर दी, जिसमें कोरोना नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अकोला से कोरोना वायरस चला गया है। न सोशल डिस्टेंसिंग, न मास्क का उपयोग। नागरिक बड़ी संख्या में दुकानों में गर्दी करते हुए दिखाई दिए। बाजार की दुकानों में नागरिक सिमट सिमट कर ऐसे खड़े थे जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ रही थी। पुलिस प्रशासन द्वारा इस वक्त तगड़ा बंदोबस्त रखा गया था तथा यातायात संभालने में यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक गजानन छेड़ के खुद सड़कों पर उतर कर हालात को काबू में लाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु बाजार में उमड़ी भीड़ ये नियंत्रण के बाहर थी। संपूर्ण सप्ताह भर लॉकडाउन होने के कारण केवल 2 दिनों का समय मिलने से तथा आगामी रमजान ईद को देखते हुए व्यापारी व दुकानदारों में नाराजगी दिखाई दे रही थी। संपूर्ण लॉकडाउन लगने से आगामी त्यौहारों को देखते हुए नागरिकों में और दुकानदारों में लॉकडाउन को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली। उसी तरह पेट्रोल पंप पर भी नागरिकों ने अपनी वाहनों में पेट्रोल भरने के लिए वाहनों की कतारें लगाई हुई थी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होते हुए दिखाई दे रहा था। साथ ही उस वक्त शासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन पर नागरिकों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इस लॉकडाउन से आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा तथा आगामी त्यौहारों को देखते हुए पहले ही व्यापार व्यवसाय बंद पड़े हैं, उसमें यह सख्त लॉकडाउन लगने से घर की ज़रूरत के सामान भी खरीदना मुश्किल हो गया है, ऐसा नागरिकों का कहना है। अकोला 24 न्यूज़ के लिए सईद खान के साथ समीर खान की रिपोर्ट। अकोला 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले, ताकि आपको मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले।